अदील साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब तो मौलाना साहब के घर पहुंच गए हैं, और क्या लग रहा है आपको, क्या मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है, क्या वो मनाने में कामयाब हो पाएंगे? जी, मौलाना इस वक्त गेम चेंजर बन चुके हैं, और मौलाना के बग़ैर इस वक्त हुकूमत के लिए आइन में तरमीम करना मुमकिन नहीं रही। अगरचे ये जो इजलास बुलाया गया है पीर को और मंगल को कौमी असम्बली और सैनेट का, और साथ ही जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया है, उसकी दो तीन रीज़न्स हैं। जो लेजिस्लेशन होने जा रही है वो दो किस्म की लेजिस्लेशन जो है वो होने जा रही है। एक तो जो कानून साजी हो रही है जिसमें लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के हवाले से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि इस्लामाबाद में जो मेयर का इलेक्शन है वो बराह रास्त वोट की बजाय इलेक्टोरल कॉलेज उसको इलेक्ट करे, और दूसरा कुछ इंटरनेट के हवाले से, कोई पीका के हवाले से, जो सोशल मीडिया के हवाले से कुछ ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं। लेकिन जो मौलाना के साथ एंगेजमेंट है उसका मकसद हरगिज इन ड्राफ्ट नहीं है जो कानून में तरमीम होने जा रही है, क्योंकि इसके लिए सादा अक्सरियत चाहिए जो कि हुकूमत के पास ऐवानों में है। जो मौलाना के साथ एंगेजमेंट है वो इसलिए ज़रूरी हो चुकी है, जो आइनी तरमीम हुकूमत करना चाहती है, जिसमें हुकूमत जो आने वाले दिनों में जो बड़ा डिसीजन लेना है, जिसमें हुकूमत मुसर है कि जो जजेस की उम्र से मुतल्लिक, उसमें कौमी असम्बली में अगर हम बात करें तो 110 नशिस्तें हैं, पीएमएलएन के पास, पीपल्स पार्टी के पास 68 हैं, एमक्यूएम के पास 22 हैं, पीएमएलक्यू के पास 5 हैं, आईपीपी के पास 4 हैं, तो 209 ये बनती हैं, और 3 नशिस्तें अभी इन्हें हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में इनके पास आई हैं, तो इनके पास जो शॉर्टफॉल है यानी 224 नशिस्तें चाहिए और इनके पास 212 नशिस्तें बनती हैं, इनके पास 12 का शॉर्टफॉल है, और मौलाना के जो 8 वोट हैं, अगरचे उसके बाद भी इनके पास को 3-4 नंबर का शॉर्टफॉल है, लेकिन वो कवर हो सकता है। असल मसला सेनेट में है। सेनेट में जब हम देखते हैं तो पीपल्स पार्टी जो है वो 24 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पे है, पीएमएलएन जो है वो 19 नशिस्तें हैं, इंडिपेंडेंट 4 हैं, एमक्यूएम जो है वो 3 हैं, एनपी 1 है और एएनपी 3 है, और बाप के जो 5 अगर हम ये देखें तो ये नंबर बनता है 59, और मौलाना के पास जो 5 यहां पर वोट हैं वो मिला के 64 को तब टच होता है, 64 के करीब, जब मौलाना के 4 लोग इसमें ऐड करें तो 1 का शॉर्टफॉल रह जाता है। तो यूं मौलाना ने जो कल इतिहाद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पार्लिमान का इतिहाद जो था वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि उसके बगैर जो हुकूमत का एक मंसूबा है जिसमें उसने आईनी तरमीम करनी है, उसमें अब मौलाना की जो पोजीशन है वो गेम चेंजर हो चुकी है। तो इसमें ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मौलाना का स्टैंस मखसूस नशिस्तों से मुतालिक ये है कि जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो कहते हैं उस पर अमल होना चाहिए, उसमें वो हुकूमती स्टैंस के साथ खड़े हैं, क्योंकि उसमें वो बेनिफिशरी भी हैं, बाकी उनके जो थोड़े बहुत जो मुतालबात हैं उनकी जो नाराजगी है वो दूर हो सकता है। देखें, इसमें जो मौजूदा जो सूरत हाल है ना, इसमें तो एक तो कानून साजी इन्होंने करनी है, जो इन्होंने इजलास भी जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया है कि अगर इनको सिंपल जो कानून साजी है उसमें अगर कोई सुबकी का सामना करना पड़ता है तो उस सूरत में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया। इलेक्शन कमीशन का भी इसमें लेना देना कुछ नहीं, अभी ये सारा मामला जो है ये पार्लियामान में इसके बाद जब मौलाना अगर मान जाते हैं तो उसके बाद हुकूमत जो मखसूस नशस्तों वाला जो मामला है जिसमें अभी तक तो उस पर अमल दरामद रुका हुआ है, मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन जाहिर है उस पर अमल दरामद उस तरह से वो कर नहीं रहा, और उसने पार्शली उस पर अमल दरामद किया इलेक्शन कमीशन ने। बिल्कुल, अभी तक फैसला भी तो आना बाकी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ चुका है।